जीब्रा बुरी निबड़ा तो इकरा हाँ बेटा आज हमें क्या करना था अच्छा ठीक है तो एक बात यह है कि आप लोगों ने शायद लेक्चर 1, 2, 3, 4 जो देख लिए होंगे उसके बाद में यूनिट डायमेंशन के हैं लेक्चर और फिर वेक्टर्स के हैं लेक्चर तो हम अभी यूनिट डायमेंशन वाले लेक्चर्स को भी ड्रॉप करेंगे लेकिन वेक्टर्स को हम लेंगे तो क्या है 20 तारीख को अपना टेस्ट है 20 तारीख को क्या है टेस्ट है तो उससे पहले पहले मैं ये चाहता हूं कि आपके वेक्टर्स वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया से तैयार हो जाए इसके लिए आप लोगों को घर पे मेहनत करनी पड़ेगी मैं यहाँ पे मेहनत करूंगा 21 को जो है ना हमारी काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी काइनेमेटिक्स स्टार्ट होने के बाद में आपको अपना वर्क इस तरह से करना है कि एक भी दिन का पाइलोन ना हो एक भी दिन का पाइलोन ना होगा ठीक है बेटा तो चलिए आप लोग जो है डीपीपी 1 मेरे हाथ में है डीपीपी 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 डीपीपी 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 अर्पण अर्पण क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में कोई डाउट है चलिए ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में कोई डाउट नहीं है 10 से 15 वैष्णवी वैष्णवी बेटा 10 से 15 10 से 15 में कोई डाउट है वैष्णवी चलिए 15 से 20 क्वेश्चन नंबर 17 डाउट है राइट ओके 15 से 20 में क्वेश्चन नंबर 17 डाउट है 20 से 25 में एनी डाउट 20 to 25 प्लीज क्वेश्चन नंबर 17 में बताऊंगा 20 to 25 प्लीज हाँ जी 20 से 25 प्लीज ट्वेंटी फाइव से थर्टी में कोई डाउट चलिए 31 में कोई डाउट 31 डाउट है क्या तो डीपीपी 1 में केवल एक क्वेश्चन डाउट है भाई उसके पास अगर आज हमने डीपीपी जल्दी सॉल्व हो जाती तो वेक्टर स्टार्ट करेंगे हम आज ठीक है चलिए डीपीपी टू में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 कोई डाउट है बेटा डीपीपी 2 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 नो डाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 डीपीपी 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 10 कोई डाउट है 1 से 10 तक बच्चे अपना माइक अनम्यूट करके बोले जल्दी डाउट डीपीपी 2 में 10 to 15 डीपीपी 2 में 10 to 15 कोई डाउट है नहीं है शाबाश डाउट नहीं है ये बहुत अच्छी बात है लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि किए ही नहीं है तो डाउट कहां से आएंगे हाँ ये भी एक बात होती है हैं प्रखर प्रखर कुछ कहना चाहता है क्या हाँ बोलो बेटा हाँ बो हाँ आराम से फोर्स की वैल्यूज
अच्छा डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है बेटा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को सवाल बोल दो खाली बस। लिमिट लिमिट लगाना क्या, इंटीग्रेशन की लिमिट लगाना ना। हाँ देखो देखो, वो मैं बता अभी मैं बता देता हूं, अभी बता देता हूं, अभी सवाल आएंगे अपने पास, अभी क्वेश्चन आएंगे, आज बता देंगे इंटीग्रेशन की लिमिट आज बताएंगे, ठीक है। उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रल दो तरह के होते हैं, मैं यहां पर बताता हूं, इंटीग्रल दो तरह के होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। अब मैं आपको बताता हूं इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या अंतर है। इनडेफिनेट इंटीग्रल हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, जैसे सपोज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, ये हमारा जो है इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अगर आपने लिख दिया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, सपोज आपने लिख दिया माइनस टू से फाइव, ये लिख दिया आपने, अब देखो क्या आएगा। अब इसको हम करेंगे एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, लिमिट लगाएंगे माइनस टू से फाइव। मान लो ये हमने ऐसे ही मान लिया सवाल, ऐसे ही ये सवाल था, अब देखो क्या करेंगे, वन अपॉन थ्री को तो बाहर निकालेंगे और एक्स की पावर थ्री, एक बार एक्स की जगह पांच लिखेंगे और पावर थ्री करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर एक बार एक्स की जगह माइनस दो लिखेंगे, पावर थ्री करेंगे। अब आपका ये वन बाय थ्री आ गया, तो फाइव इज इक्वल टू 125 और ये माइनस माइनस प्लस लेता है, यानी कि 133 अपॉन 3 आंसर आएगा। इस तरीके से लिमिट लगाते हैं। देखिए ये जो डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है ना, इसमें मैं आज एक बहुत अच्छा सवाल करूंगा आपकी डीपीपी के अंदर है, एक मिनट जरा तो ध्यान दीजिए आप। तो ये इंटीग्रल जो है ना, इसको हम अभी करेंगे, आज एक और सवाल करूंगा। प्रखर आपकी प्रॉब्लम यही, हाँ एक मिनट, डीपीपी सेकंड का 9 क्वेश्चन, डीपीपी सेकंड का क्वेश्चन 9, और बताइए आज प्रांशु एब्सेंट है क्या, क्या आ रहा है, कौन सी मीटिंग, हाँ तो मीटिंग इन प्रोग्रेस तो है ही ना, तो वो है ना जो उसको मीटिंग को ज्वाइन करे तो हमारे पास एडमिट का ऑप्शन आएगा, मीटिंग तो प्रोग्रेस में है। चलिए एक मिनट, ये जो डीपीपी है टू, उसमें 9:15 से पहले कोई सवाल, 15 से 20, 20 से 26 तक कोई डाउट डीपीपी टू में? देखिए डीपीपी वन में मेरे पास केवल एक डाउट आया है, डीपीपी टू में भी केवल एक डाउट आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये डाउट कम आए हैं ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप लोगों ने किए हैं, और अगर बिना करे हैं कि साहब किया ही नहीं तो डाउट कैसे आएगा, तो बहुत बुरी बात है। डाउट कमाने से मैं बहुत खुश होता हूं, है ना, लेकिन कुछ ऐसा हो कि ये नहीं इसलिए डाउट नहीं आ रहे, ठीक है। चलिए वैष्णवी वैष्णवी, हाँ नमस्ते बेटा, बेटा ये आपका कुछ नेट जो है आपका काफी फ्लक्चुएट रहता है बेटा, वैष्णवी वैष्णवी मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या, वैष्णवी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, नहीं। चलिए डीपीपी थ्री में से, डीपीपी थ्री में से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कोई डाउट, तनु
बेटा डीपीपी थ्री में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक को डाउट, डीपीपी थ्री में 1 से 5, चलिए 1 से 10 तक को डाउट डीपीपी थ्री में, डीपीपी थ्री में 1 से 10 तक को डाउट, चलिए कोई बात नहीं 15 तक को डाउट डीपीपी थ्री में, एनी डाउट अप टू 15, अप टू 20 डीपीपी थ्री में, अप टू 20 को डाउट, अप टू 25, 21 एंड 20, ठीक है डीपीपी थ्री में 21 एंड 22। अच्छा सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन, 27 भी है, चलिए 27, हाँ जी डीपी थ्री में 27, 30 तक को जाओ, एनी मोर डाउट अप टू 30, 30 तक को जाओ नहीं है, चलिए 30 के बाद में 30 से 35 डीपीपी थ्री में, 30 से 35 में को जाओ, अप टू 35 प्लीज, 35 तक को जाओ, 35 से 40, 40 तक डाउट नहीं है प्रखर बेटा, 37 सवाल में बताऊंगा आप लोगों को डाउट नहीं है, लेकिन 37 सवाल में बताऊंगा आप, ठीक है आप लोग पूछ नहीं रहे लेकिन मैं बताऊंगा, क्यों नहीं पूछ रहे मुझे समझ नहीं आ रहा, 40 तक एनी डाउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 40, चलिए 40 के बाद 43 45 तक एनी डाउट अप टू 45, 45 तक कोई डाउट नहीं है, 45 के बाद 50 है, हेलो ब्रांच को ऐड कर दे रिक्वेस्ट यार आई नहीं मेरे पास, बेटा मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं है बेटा, होता तो मैं तो सबको मतलब आते ही ऐड करता हूं, ठीक है प्रांशु को बोलो कि वो एक बार वापस जो है ना डिस्कनेक्ट होके वापस मीटिंग को ज्वाइन करे, प्रांशु को बोलो, ठीक है 37 के बाद 40 से पहले को लाओ, एनी डाउट अप टू 45, एनी डाउट अप टू 45, 45 से 58 तक, 45 से 50, 50 से 55, 58 तक, चलिए कोई डाउट हो तो बाद में बोल देना, अभी फिलहाल मैं इनको करता हूं राइट, और अगर ये अपने को डाउट जल्दी हो जाते हैं तो अपन आज वेक्टर्स को एक बार अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है चलिए हाँ डीपीपी वन देखिए, डीपीपी वन का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 है, तो देखो बच्चों डीपीपी वन इसका क्वेश्चन नंबर 17 मैं सॉल्व कर रहा हूं, सभी बच्चों से एक बात पूछना चाहता हूं मैं, आज बोर्ड थोड़ा बड़ा हो गया है हमारा है ना, तो बड़ा बोर्ड हो गया है तो आपको लेटर्स जो है दिखाई दे रहे हैं ना अर्पण, अर्पण जो बोर्ड बोर्ड पे लिखा हुआ है साफ दिख रहा है ना, क्योंकि आज बोर्ड थोड़ा बड़ी साइज का हो गया है तो वीडियो थोड़ा डिस्टेंस से लिया जा रहा है ना, ये बोर्ड बड़ा हो गया, कल तक बोर्ड छोटा था, चलिए तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं, 17 से पहले कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना 17 क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू देखिए वाई इक्वल टू एक्स की पावर -2 इंटू लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस, ये 17 क्वेश्चन है, देखिए 17 का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट में आप देखो वाई इक्वल टू दे रखा है लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ई अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं एक्स की पावर -2 लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस, अब देखो इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या है, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है
कि हम एक बार एक क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे को कॉन्स्टेंट रखेंगे, फिर दूसरी क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को कॉन्स्टेंट रखेंगे, एक बार एक ही करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं x की पावर माइनस टू को कॉन्स्टेंट रख रहा हूं, x की पावर माइनस टू को कॉन्स्टेंट रख रहा हूं, राइट। और log ऑफ x, log ऑफ x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/x होता है, राइट। फिर इसके बाद में प्लस, अब मैं log ऑफ x को कॉन्स्टेंट रखूंगा, log ऑफ x को कॉन्स्टेंट रखूंगा, इसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, लेकिन x की पावर माइनस टू को डिफरेंशिएट करूंगा। x की पावर माइनस टू का डिफरेंशियल आएगा माइनस टू x की पावर माइनस। सभी बच्चे चेक करें, सभी बच्चे मेरे डिफरेंशियल को चेक करें, मेरे ऊपर आप भरोसा मत क्या करो। एक मिनट जरा, प्रांशु की रिक्वेस्ट नहीं है अभी तक, ध्यान दो। अब आप देखिए इसको जब हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो x की पावर माइनस थ्री आएगा, माइनस टू log ऑफ x टू दी बेस e अपॉन x क्यूब आएगा, अपॉन x क्यूब आएगा क्या, हाँ x क्यूब अपॉन में आएगा, यानी x की पावर माइनस थ्री यहां पर आएगा, x की पावर माइनस थ्री यहां पर आएगा। तो अपन x की पावर माइनस थ्री को हम ले लेते हैं, तो 1 माइनस टू log ऑफ x टू दी बेस e, आप चेक करिए इसका आंसर ये है या कुछ अलग है, प्लीज चेक योर आंसर। ये आंसर में log ऑफ x स्क्वायर भी हो सकता है, देखो क्या आंसर देता है। डीपीपी 1 का प्रश्न नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट, प्रांशु अच्छा एक मिनट, हाँ बेटा कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो हो रहा है यहां पे, लेकिन आप ट्राई करो कि कंटिन्यू रहो क्लास, राइट। सब मतलब आप ट्राई करिए क्लास में कंटिन्यू रहे, है ना, जिससे हमारा इंटरेक्शन तो हो सके ना कम से कम, है ना। आप अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है, फर्स्ट पार्ट ये आपका है। इस डिफरेंशियल में देखो सबसे खास बात है कि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है मल्टीप्लीकेशन। जब जब दो प्रोडक्ट का जो है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आता है तब तब हम क्या करते हैं, एक बार एक को कॉन्स्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम दूसरे को कॉन्स्टेंट रखते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने ये डिफरेंशिएशन किया है डीवाई अपॉन डीएक्स आ गया, ये डीवाई अपॉन डीएक्स आ, तो मैंने डीवाई अपॉन डीएक्स कर दिया, राइट बेटा। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा आंसर आप चेक करिए, मेरे ऊपर आप कॉन्फिडेंट जो है ना ज्यादा मत रखो, आप चेक किया करो, जांच की, ठीक है। तो चलिए चेक करो, ये फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट ये मैं कर रहा हूं यहां, आप लोग फर्स्ट पार्ट की जांच पड़ता करिए, सेकंड पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं 17। ये y इक्वल टू सेक एक्स, बेटा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, y इक्वल टू सेक एक्स, इसका डिफरेंशियल dy अपॉन dx जो होता है वो sec x tan x होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा एक मिनट, ये सभी बच्चे अपना हर्षित अपना माइक म्यूट करो, हर्षित अपना माइक म्यूट करो, हाँ चलिए। 17 के अलावा कोई डाउट डीपीपी 1 में, डीपीपी 1 में 17 के अलावा कोई डाउट नहीं है, चलिए नेक्स्ट, कम ऑन नेक्स्ट, डीपीपी 2, डीपीपी 2 देखिए, डीपीपी 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 करना है, डीपीपी 1 में और कोई डाउट नहीं है और किसी को होगा भी बोल देना पड़ता है, राइट। अर्पण अर्पण
अर्पण को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, वीडियो क्लियर आ रहा है? वीडियो कान से ब्लर आ रहा है। अच्छा क्लियर यार, अब तो मतलब हमने सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया हमने। अब तो मतलब सिस्टम को हमने काफी इंप्रूव कर डाला। हाँ, वीडियो एकदम क्लियर। अच्छा चलिए, थोड़ा सा नेट कम खर्च किया करो बेटा, डीपी में 2 का % 9 देंगे। क्या होता है, आप जिस नेट से चलाते हो, जिस फोन से, उसका डेटा थोड़ा बचा के रखा दो, ठीक है? डीपी में 2 का % 9 देंगे। हाँ, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, मैं आपको इस सवाल को समझाता हूँ कि ये क्या है। ये सवाल समझ लीजिए, डीपीपी 2 का % 9, इसको आप अच्छी तरह समझ लो, है ना? ये बेहतरीन सवाल है। देखो, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, इसके डिफरेंशियल का फार्मूला होता है लॉग ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए टू दी बेस, ये इसका फार्मूला होता है, करेक्ट? तो ये इसका होता है। अब आपको मैं थोड़ा सा चैन रूल के बारे में बताऊं कि डी अपॉन डी एक्स, अब आपने लिखा ए की पावर डी एक्स, अब इसको मतलब समझिए क्या है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो आप ए की पावर बी एक्स है ना, इसको पूरे को एक्स मान करो, यानी सबसे पहले तो ये फॉर्मूला एज इट अप्लाई करो इस फॉर्मूले। तो देखिए, मैं अप्लाई कर रहा हूं एज की, एज सच अप्लाई करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा मैं। ए की पावर बी एक्स लॉग ऑफ ए टू दी बेस, इस फॉर्मूले को जो ये ऊपर फॉर्मूला लिखा था, इसको मैंने एज सच अप्लाई किया, अभी कुछ भी नहीं किया, पूरा का पूरा वैसे वैसे। लेकिन अब हाँ, ठीक है, एक मिनट, अभी अपन ने कंप्लीट नहीं किया। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम एक्जेक्टली अप्लाई कर रहे हैं ऐसे कैसे, तो हमने अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है, अभी एक स्टेप और बचा, उसे आप समझिए कि एक स्टेप क्या। ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ है, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो इसके ऊपर बी एक्स है ना, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे बी एक्स में, ये बी आएगा, ये बी आएगा, कुल मिला के हमारे पास में ये आएगा ए की पावर बी एक्स इंटू बी इंटू लॉग ऑफ ए टू बी एक्स। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए की पावर बी एक्स लॉग ऑफ ए रेज टू पावर, ऐसा लिख सकते हैं। ये चेक कर लिया आप एक बार, सवाल ये नहीं आप, नहीं नहीं देखिए, लॉग जो है ना वो, हाँ बेटा, लॉग जो है ना, एक बात समझिए, लॉग एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल, मतलब जो है ना एक सिस्टम है, वो कैलकुलेशंस को हमारी बहुत आसान बनाता है ना। ये आप लॉग के बारे में डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, है ना? फिलहाल जो मेरा पर्पज है वो ये है कि मैं आपको फिजिक्स में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी करूंगा, है ना? तो आप देखेंगे कि आपको जो है ना वेरी फर्स्ट लेक्चर नंबर 1, उसमें लॉग के आपको मैंने 3-4 फॉर्मूले बता दिए होंगे, है ना? वो मैं फिर बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो ये लॉग के जो 2-4-5 फॉर्मूले हैं वो आप याद करो। सबसे पहला तो अगर मान लो आपका y इक्वल टू x रेज़ पावर m, पता हम क्या लिखेंगे? एक मिनट का, प्रांशु प्रांशु बेटा, आप अपनी स्क्रीन क्यों शेयर कर रहे हो? अच्छा ठीक है,
ध्यान दीजिए y इक्वल टू एक्स रेस्ट पर एन, तो पता है हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे log ऑफ y टू बी बेस x इक्वल टू एन, ये इसको लिखने का तरीका और कुछ नहीं, y इक्वल टू एक्स रेस्ट पर एन है ना, इसको लिखते हैं log ऑफ y टू दी बेस x इक्वल टू एन, यानी वो पावर आती है उसके। अच्छा और इसको लिख करके हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखो, जैसे अगर मान लो दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन है n into n, तो इसको हम लिखते हैं log of n plus log of n, ये लिखते हैं, ये मतलब इसको बस ये फॉर्मूला है ना, अगर दो क्वांटिटीज का डिवीजन है जैसे m upon n है तो हम लिखेंगे log of n minus log of n, ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से जैसे मान लो यहां पे है a log of b, तो इसको हम लिखेंगे log of b की पावर, ऐसा लिखेंगे, जैसे यहां पर क्या नंबर है b log a था तो log of a की पावर, आप देखिए इसका जो आंसर आएगा ना वो फर्स्ट वाला आंसर आएगा, ठीक है। चलो log पे तो हम कर लेंगे, log वगैरह पे अभी नहीं उलझना चाह रहे हैं, अभी हम बात करना चाह रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब आप एक टर्म दे रहा हूं मैं, उसको सब डिफरेंशिएट करके बताएंगे क्या है ना, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं डिफरेंशिएशन का, सब लोग तेज स्पीड से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, देखिए कौन कितना बढ़िया से डिफरेंशिएशन करता है, ठीक। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक सवाल दे रहा हूं आपको, y इक्वल टू e रेस टू पावर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करो dy अपॉन dx, करिए देखिए कौन सबसे तेज करता है, प्रांशु जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करो, एक मिनट जरा, ट्रांसफर कर रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, करेक्ट, फिर मल्टी फिर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है ना, 6x प्लस, देखो ट्रांसफर ने एकदम सही किया है, आई एम वेरी हैप्पी, एकदम सही कर दिया ट्रांसफर ने। अभी पता है कैसे किया है ट्रांसफर ने, क्या किया कि सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या, अगर y इक्वल टू e की पावर x है तो dy अपॉन dx क्या होता है, e की पावर x होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, यहां तक सबको दिखाई दे रहा है ना, किसी को देखने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, थोड़ा सा हमें आज मतलब ध्यान रखना पड़ेगा दो दिन एक दो दिन, क्योंकि बोर्ड का साइज एकदम से बढ़ गया है ना, कल तक छोटा बोर्ड था आज बड़ा बोर्ड लग गया है, तो थोड़ा सा आप देखो देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल और देता हूं और उसे तेज स्पीड से करके बताएंगे आप, ठीक है, y इक्वल टू है साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसका डिफरेंशिएट करके बताओ, तनु नहीं प्रांशु नहीं बताएगा, प्रांशु नहीं बताएगा, हर्षित बताएगा, हर्षित बेटा हर्षित 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 धीरे धीरे बोलो, जल्दबाजी में मत बोलो, आराम आराम से, हाँ बोलो वापस से, हाँ नहीं गलत था, गलत था एकदम गलत, निकिता आप बोलो, करेक्ट, देखो निकिता ने एकदम सही बोल दिया 2ax प्लस, अब पता है ऐसा नहीं है कि हर्षित को आता नहीं है, हर्षित को आता है, मेरे को पता है हर्षित को साइन का डिफरेंशियल पता है कॉस। अच्छा हर्षित एक बात बताओ, आपको ये बात पता है ना, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, ये बात हर्षित को पता है, लेकिन फिर भी हर्षित जल्दबाजी में गलत बोल रहा है, बेटा जल्दबाजी में क्या करो, आराम से क्या करो, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं डिग्री थ्री पर,
डीपी पे टू में किसी का कोई और डाउट बताया बोल दो। डीपी पे टू में या वन में कोई भी डाउट बताया बोल दो, क्योंकि अगर डाउट नहीं है ना, मैक्सिमम मिनिमम में डाउट है। ठीक है, देखो मैक्सिमम मिनिमम मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत आसान सी चीज है ना प्रखर बेटा। मैक्सिमम मिनिमम एक बार समझ लो वापस से, मैक्सिमम और मिनिमम इसको नोट कर लो, मैक्सिमम मिनिमम एक बार इस चीज को नोट ही कर लो, क्योंकि ये चीज जो है काफी मतलब परेशान रहती है। हाँ बोलो, तो आप देखिए मैक्सिमम मिनिमम को आप एक बार नोट कर लीजिए पूरा। एक्चुअली मैक्सिमा का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमा का मतलब होता है, आप देखो अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं एक ऑब्वियस सी बात है कि ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं ग्राफ है राइट। तो मान लो मेरे पास ये कोई वाई है और ये एक्स है, तो मैं पता है मैक्सिमा को क्या बोलूंगा, मैक्सिमा को बोलूंगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होगा, dy अपॉन डी एक्स जीरो। अब सवाल ये उठता सर ये कैसे बोल दिया dy अपॉन डी एक्स जीरो, तो वो मैं बताता हूं आपको कि मैं कैसे बोल दे रहा हूं dy अपॉन डी एक्स जीरो। बेटा ये मैक्सिमम पॉइंट है ना, अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर इस ग्राफ पर यहां पर एक टेंजेंट लाइन खींचू, टेंजेंट मतलब उस लाइन को टच करती हुई लाइन है ड्रॉ, तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, इसकी स्लोप जीरो है, देखो इसकी स्लोप जीरो है ना, बिल्कुल तो इसकी स्लोप जीरो। और अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करूं तो इसकी स्लोप भी जीरो। इसका मतलब चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, डी वाई अपॉन डी एस तो जीरो होगा, यानी फर्स्ट डिफरेंशियल हर हालत में जीरो होगा। सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दें, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हर हालत में जीरो होना है। अच्छा, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, स्टेप वन। स्टेप वन होगा आप डी वाई अपॉन डी एक्स को जीरो लिखो, डी एक्स को जीरो लिखो, और फिर इक्वेशन बना के आप एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू बता दो, क्वेश्चन मार्क लगा गया एक्स पर। मिनिमा है तो भी स्टेप फर्स्ट यही, मतलब स्टेप फर्स्ट दोनों के लिए एक जैसा ही, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, स्टेप फर्स्ट नहीं बदले। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, अब आपको जैसे ही इसको जीरो लिखोगे एक्स की कोई वैल्यू आएगी। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपको वाई की मिनिमम वैल्यू देगी या मैक्सिमम वैल्यू देगी, इसका पता हम सेकेंड डेरिवेटिव से लगाएंगे। तो देखो स्टेप टू में हम क्या करेंगे, स्टेप टू में हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएट करो, स्टेप सेकंड में सेकंड डेरिवेटिव करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आप पता करो कर दिया। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पता करने के बाद में आप एक्स की ये वाली वैल्यू पुट करिए, अगर एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो कि आपने पहले निकाली, अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव आता है तब तो मैक्सिमा है, और अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। अब आप इस कंसेप्ट को पकड़िए कि मैंने कहा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है तो क्या है मैक्सिमा, और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। इसका क्या कारण, ऐसा क्यों है, उल्टा क्यों है, मैं बताता हूं इसका क्या कारण। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात बेटा, मैक्सिमा का मतलब होता है, मैक्सिमा का मतलब होता है कि उसके बाद में वैल्यू को घटना होता है, मैक्सिमा का मतलब होता है कि उसके बाद वैल्यू को घटना होता है, और मिनिमा का मतलब क्या होता है कि उसके बाद वैल्यू को बढ़ना है। ये बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैक्सिमा के बाद में फर्दर जो वैल्यू गिरेगी वो गिरेगी ही गिरेगी, यानी माइनस क्यू, उसको गिरना ही गिरना है, तो वो ड्रॉप आउट वैल्यू गिरेगी। आप देखो मैक्सिमा के बाद में अगर हम नेक्स्ट ग्राफ का स्टेप देखें, इस ग्राफ को देखो, ये मैक्सिमा है, इसके बाद ग्राफ गिरेगा,
से बात करते हैं। मिनिमा के बाद ग्राफ चले, ग्राफ जैसे मान लो किसी व्यक्ति का पीक आ गया बिजनेस का या सफलताओं का, उसके बाद गिरावट है ना। इंसान जो है बहुत सिर पर चढ़ गया था, नेचर के साथ बहुत ज्यादा क्या कर रहा था, खराबी कर रहा था, है ना। कोरोना आ गया है, अब समझ लो, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जब ज्यादा सिर पे चढ़ जाएगा ना इंसान, तो ऐसे ही होगा, कभी कोरोना आएगा कभी कुछ और आ जाएगा, है ना। तो एंजॉय कोरोना, अब कोरोना को भी हम क्या करें, जिंदगी जीनी है ना अच्छे से, है। तो दुखी होकर के जियो, रो रो के जियो या खुश हो, तो जैसा भी है इसी से लड़ लड़ के जिए, लड़ते जिए, है ना। चलो समझ में ही पा रहा। तो ये ऐसा है कि सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, राइट। चलिए अब हम आते हैं ये इसका डीपी टू का क्वेश्चन नंबर 9 कर दिया ना हमने। चलिए और तो सवाल है डीपी टू में, अब हम डीपी 3 के क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे। क्या कर दिया 21, डीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 21, 22, 27 और 37। क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल साइन 4x+5। देखो इंटीग्रल साइन 4x+5 dx, अब इसको पता है मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं माइनस कॉस एक्स, कॉस 4x+5। एक काम कंप्लीट हो गया, साइन के कारण कॉस होता है माइनस, करेक्ट, इंटीग्रल। अब पता है मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर डिवाइड करूंगा, और ये जो 4x+5 है ना इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहां पे 4 आएगा, हाँ, और 5 का डिफरेंशिएट 0 आएगा, तो 4 ही आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 21, राइट। अच्छा अब देखिए 21 से पहले, चलो 21 को छोड़ो, आप आ जाओ 24 सवाल मैं करवाना चाहता हूं आपकी तरफ से। 24 क्वेश्चन देखो, ये आपने पूछा नहीं लेकिन मैं करवा देता हूं, आपने तो 22 पूछा है, 22 को अभी बताता हूं मैं, 24 बता दूं पहले। 3x+6 की पावर 7 dx, देखो 3x+6 की पावर 7, तो अब हम इसको लिखेंगे 3x+6 की पावर 8/n+1/n, राइट। अच्छा इंटू अब ये नीचे करेंगे हम, देखो डिफरेंशियल में तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई ऊपर करते थे, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में करते थे। अब आप देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3+0 एक्स्ट्रा डिफरेंशियल 1, ये आपका आंसर होना चाहिए, चेक करो 24 का आंसर ये है क्या। अब हम 22 कर देते हैं, 22 क्वेश्चन में यहां पर कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन cos 4x dx, अपना माइक जो है उसको म्यूट कर लीजिए प्लीज, अपन माइक म्यूट रखो बेटा, ये cos 4x है dx, ये माइक किसका खुल रहा है, आप देखिए ये साइन है, तो ये आएगा साइन 4x। अब साइन 4x तो हो गया लेकिन यहां पे नीचे 4 भी आया, वो इस 4x का डिफरेंशियल होकर के नीचे आ गया। डिफरेंशिएशन में तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां हम डिवाइड करते हैं। 25 सवाल देखो, 25 आपने नहीं पूछा लेकिन मैं करा देता हूं, 25 क्वेश्चन है sec² 3x+6 dx, अगर वो sec² का इंटीग्रेशन होता 10, तो sec² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 3x+6। अब इसमें डिवाइड करेंगे हम, 3x+6 का डिफरेंशियल 3 हो, नेक्स्ट ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20
हो गया 27 देखिए, हाँ 27 क्वेश्चन देखो, 27 इंटीग्रल 6/2x + 5। सभी बच्चे यहां पर ध्यान दे रहे, देखो बेटा ये 6 है ना, ये कांस्टेंट क्वांटिटी, तो 6 कैन बी टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, इस 6 को तो बाहर निकालो। अब ये बता, तो इसको हम कहेंगे लॉ, देखिए 1/x, आपको एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाया था, लॉग x। तो अब ये लॉग है, लॉग को क्या लिखेंगे, 2x + 5 लिखेंगे, 2x + 5 राइट। अब आप इधर देखिए 2x + 5 हो गया, तो ये 6 log 2x + 5 आया ना। अब हम इसके अंदर डिवाइड नहीं करेंगे, इसके अंदर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड चलो यही कर देंगे, 2x + 5 ये फंक्शन है ना, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा राइट। यहां पे किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है क्या, देखिए कुछ नहीं किया मैंने, ये 6 था, 6 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, ये 2x + 5 जो था इसको मैंने log 2x + 5 टू दी बेस e लिखा और नीचे 2 लिख दिया, बस इतना ही किया। अब इस 2 को 3 से काटूंगा, यहां पे 3 आ जाएगा, log ऑफ 2x + 5 आया टू दी बेस। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, आपका आंसर क्या है मुझे पता नहीं है, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग आंसर बिफोर मी, है ना। आप चेक करिए, आप लोग चेक करो प्लीज, 2x + 5 का क्यूब है क्या आंसर में, यही आंसर देखा, देखो आंसर या तो आपको ये दे रखा होगा या आपको ये दे रखा होगा, कोई सा भी आंसर, बताइए कौन सा आंसर है दोनों में से, ऊपर वाला है, चलो ठीक है बढ़िया। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन मैंने अपने आप उठाया, आप लोगों ने नहीं पूछा लेकिन मैंने कहा कि मैं बताऊंगा, ठीक है सभी बच्चे, हाँ बोलिए बेटा, एक मिनट एक, अभी अभी आपको मैंने लॉग का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, लॉग का अभी थोड़ी देर पहले आज पढ़ाया, लॉग ए लॉग बी, इसको हम लिख देते हैं लॉग बी की पावर बी, यही फॉर्मूला लगाया है, यह 3 log b है ना, तो लॉग बी की पावर सी आ जाएगा यहां से जैसे वो आया, इस फॉर्मूले को याद रखो, है ना। आप लोग मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है ना उसको पूरा रिकॉर्ड करो, पूरे नोट्स बनाओ फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, आपके पास अभी पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे हम, डिग्री 3 का, बेटा इस सवाल को समझना, क्योंकि आपने वो लिमिट वाली बात पूछी थी ना, तो वो इसके अंदर यूटिलाइज होगी बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया से यूज करेंगे हम उसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37, में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन t-3 मैग्नीट्यूड d, लिमिट है 0 से 5। अब आप इसका मतलब समझिए क्या है, मैग्नीट्यूड t-3, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड का मतलब है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी हम इस बात का पक्का अरेंजमेंट करेंगे कि ये टर्म क्या हो हर हालत में पॉजिटिव। तो देखिए मैं कैसे करूंगा अरेंजमेंट, मैं इसको कर रहा हूं इंटीग्रेशन t-3, एक इसको मैं लिख रहा हूं 3-t dt प्लस इंटीग्रेशन t-3 dt, इसका लिमिट लगा रहा हूं 0 से 3 और इसका लिमिट लगा रहा हूं 3 से 5। अब आप देखो इसके दो टुकड़े करो, ये वाली बात समझिए कि क्या दिया आपने टीचर, सब अच्छे ध्यान दे, एक्चुअल में ये लिमिट है ना, ये सॉरी ये मैग्नीट्यूड है t-3, देखो बेटा t-3 का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको,
मैग्नीट्यूड यानी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। अब मैं कहता हूं कि अगर थ्री में से कोई व्यक्ति दो घटाए तो तीन में से दो घटाओगे तो कितना आएगा, प्लस वन आएगा। तीन में से एक घटाओगे तब भी प्लस वन आएगा, राइट है ना। तीन में से जीरो घटाओगे तो भी प्लस आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा जी, पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए, हर हालत में पॉजिटिव। तो ये टी माइनस थ्री था ना, इसको मैंने थ्री माइनस थ्री लिख दिया, उधर टी माइनस थ्री लिख दिया। अब देखो थ्री से फाइव किलोमीटर की, इधर जीरो से थ्री किलोमीटर। ऐसा करने का क्या फायदा हुआ? ऐसा करने का फायदा हुआ कि जो डिफरेंस है इट विल ऑलवेज बी प्लस, मैग्नीट्यूड आएगा इसका। ये वाली बात समझ में आ गई क्या हर्षित? हर्षित बेटा हाँ, इस ठीक है, इस चीज को समझिए आप। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जो हमें इंडिकेशन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 37 में, इस इंडिकेशन के दो टुकड़े करते हैं। लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से फाइव तक, यानी कि हमारी लिमिट है जीरो से स्टार्ट होकर फाइव तक, जीरो से फाइव तक। अब हम इस जीरो से फाइव तक का जो करेंगे ना इंटीग्रेशन, इसके दो पीस कर दे रहा हूं मैं, जीरो से तीन तक और जीरो से फिर तीन से पांच तक। देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लो कभी आपको रुड़की से दिल्ली जाना है, तो रुड़की से दिल्ली जाना है तो आप लोग क्या करते हो? रुड़की से दिल्ली मान लो कार से जाना है अपनी, कार से। तो हम जब कार से जाते हैं रुड़की से दिल्ली, तो पहले क्या करते हैं, मेरठ में कहीं पर रुक करके थोड़ा सा चाय पानी करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, रिफ्रेश हो लेते हैं, रिफ्रेशमेंट के बाद में फिर वापस दिल्ली जाते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, इसी तरीके से हमने जीरो से लेकर थ्री तक की यात्रा की, फिर थ्री से फाइव तक की यात्रा। अब सवाल उठता है, हमने इस यात्रा के दो टुकड़े किए ही क्यों? किए इसलिए कि हमारी इच्छा है ये वाली, हमारी इच्छा ये वाली है। ये इच्छा बड़ी खतरनाक इच्छा है कि हमें इस रिजल्ट को, व्हाट इज दिस, इसको पॉजिटिव बनाना है हर हालत में, नेगेटिव नहीं बनाना। अब अगर देखो आप अगर जीरो माइनस तीन करके देखो एक बार, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वन माइनस थ्री करके देखो तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। टू माइनस थ्री करके देखो तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी हमारी ये वाली इच्छा पूरी नहीं होगी मैग्नीट्यूड पर। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करते तो मैग्नीट्यूड वाली इच्छा पूरी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाला काम हो जाएगा, राइट। अच्छा तीन के बाद, तीन के बाद हम पांच तक चलते चलते, अगर आप तीन के बाद में पांच तक चलते हैं तो यहां पर चार माइनस थ्री कितना आएगा, पॉजिटिव। पांच माइनस थ्री क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि हमने इस मैग्नीट्यूड का रेस्पेक्ट करने के लिए ऐसा किया, और वो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इस मैग्नीट्यूड को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जिसका आपको राइट नहीं है। जब सवाल आपसे ऐसे पूछा गया तो नहीं, नहीं बात ये नहीं है, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, हम कभी भी अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करते, हम क्वेश्चन की इच्छा से सब कुछ करते। हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है टी माइनस थ्री मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन करो। अब हम टी माइनस थ्री मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन करेंगे, समझ रहे हो, मतलब हम टी माइनस थ्री का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। जैसे अभी मैं इसको दोबारा करके बताता हूं, फिलहाल मैं इसको कंप्लीट कर लू एक बार, फिर मैं बिना मैग्नीट्यूड वाला करके बताऊं, फिर मैं बिना मैग्नीट्यूड वाला करके बताऊं, बाकी बिना मैग्नीट्यूड हो तो क्या करें। फिलहाल हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, आप इसका स्टेप चेक करो, थ्री माइनस टू, तो थ्री माइनस टी को इंटीग्रेट करो, थ्री टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन लिमिट लगाओ जीरो से टू प्लस। अब आप इसको करो टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस थ्री, लिमिट लगाओ थ्री से फाइव। अब देखना मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं, लिमिट लगा, ये बेटा थ्री है, लिमिट थ्री से जीरो, इसका मतलब टी की जगह है, एट प्लेस ऑफ टी आई विल राइट थ्री माइनस थ्री, ये लिमिट लगाना। पहले अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लो अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर, अपर लिमिट वी पुट फर्स्ट, लोअर लिमिट वी पुट
सेकंड। तो देखो ये माइनस वन बाई टू है, अब अपर लिमिट, अपर लिमिट है थ्री का स्क्वायर 9, लोअर लिमिट आपका जीरो है। ये अभी तक आपका ये वाला कंप्लीट सॉल्व होता है, ये वाला कंप्लीट सॉल्व होता है, अभी ये बचा हुआ है क्या ये वाला ना, ऊपर वाला पूरा इंटीग्रेशन है सिंपल। नहीं ये स्टेप, ये तो इंटीग्रेशन है सिंपल, थ्री का मतलब थ्री आएगा उसका थ्री स्क्वायर बाई टू आएगा। ऐसे इंटीग्रेशन को काफी कर चुके आप लोग हैं। अब देखो प्लस प्लस, यहां पे प्लस लगाया ये वाला प्लस, अब वन बाय टू कॉमन लिया, फिर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर तो वन बाय टू कॉमन लिया, टी स्क्वायर क्या है 25 माइनस 9, फिर माइनस 3, फिर टी कितना है 5 माइनस 3। आप लिमिट अपनी इच्छा से रखिए, मेरा मेरे को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कृपया मुझे फॉलो ना है ना, आप अपनी मर्जी से काम करो है ना। चलिए 3 × 3 यानी कि 9 आ जाएगा, 3 × 3 यानी कि 9 आ जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस 9 बाई प्लस, ये आएगा 25 माइनस 9 अपॉन 2 प्लस 8 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। चेक करो 9 and 8 17 माइनस 6 माइनस 4.5, आप चेक करो 6 माइनस 4.5 6 10.5 17 मेरे लगा 6.5 आंसर है, ये आपका आंसर है। चेक करिए इसका आंसर 6.5 होगा राइट। ये 37 सवाल। अच्छा अब मैं ये कहता हूं कि आप इस सवाल को भूल जाइए थोड़ी देर, नहीं वो आप, आपको पता है क्या करना है, आपको जो फंक्शन गिवन है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप ऐसा लिमिट सेट करेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड हर हालत में पॉजिटिव। आप अब देखो एक बात, 2 − 3 कितना होगा, माइनस को जाएगा तो आपकी तो फिर वो नेगेटिव आ गया ना, हियर वी नॉन वांट नेगेटिव। अब देखो मैं इसको यहां से, अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, 37 को मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया ना, एवरी स्टूडेंट नोटेड डाउन ना, हर बच्चे ने नोट कर लिया ठीक है। प्लीज ध्यान दो, मैं अब जो है ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं। अब पता है अगली बार में मैं मैग्नीट्यूड नहीं लगाऊंगा और केवल क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो हमारे पास इंटीग्रेशन 3 − 3 है और dt है और 0 से 5 तक की लिमिट, मैग्नीट्यूड नहीं लगाया, यानी कि अब हम इसको सिंपल करेंगे, सिंपल करेंगे टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय टू माइनस 3 और लिमिट लगाएंगे 0 से 5। तो अब देखो सबसे पहले 1/2 लिमिट लगाओ 0 से 5 तक, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 0 0 माइनस ठीक है, तो 5 लिखो माइनस 0 लिखो, अब देखो कितना आएगा आपका 12.5 माइनस कितना आया 15 आया, तो −2.5 आंसर है। ये हमने मैग्नीट्यूड नहीं लगाया, मैग्नीट्यूड नहीं लगाया। चलिए अब आप एक बार करें, सभी बच्चे एक सवाल करके बताएंगे, दो सवाल करेंगे सभी बच्चे, अपन कुछ कहना चाहता है क्या, क्या हाँ क्या भैया, भैया इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं बेटा। देखो एक को लगता है ब्रैकेट,
ब्रैकेट का मतलब ये प्योर फंक्शन है, एक लगती है ऐसे डंडा, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, जो सीधे दो डंडे लगते हैं ना, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका नाम है मैग्नीट्यूड और उसका नाम है ब्रैकेट। हाँ बोलो, डायरेक्ट लिमिट लेंगे तो फिर वो नेगेटिव क्वांटिटीज भी तो बीच में आएंगी ना, हमें नेगेटिव क्वांटिटीज लानी नहीं है बीच में, सीखो ना बेटा, ये तो सीखना पड़ेगा ना आपको, जब नेगेटिव क्वांटिटीज लाने के ऊपर लिमिट लगाई है कि नहीं लानी नेगेटिव क्वांटिटी, तो आपको नहीं लानी है नेगेटिव क्वांटिटी, फिर कुछ लाज नहीं है आपके पास। देखिए अब देखो, मैं आपको दो सवाल देता हूं, उसको करिए आप अपनी मर्जी से, सभी बच्चे उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर वन मैं आपकी तरफ से दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर वन है ना, आपको करना है इंटीग्रेशन एक्स माइनस सिक्स डी एक्स, आप लिमिट लगाएंगे जीरो से सिक्स तक, या चलो जीरो से टेन तक लिमिट लगाओ, जीरो से टेन तक लिमिट लगाओ। क्वेश्चन नंबर वन करिए, सभी बच्चे करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर टू, आप इंटीग्रेशन लगाइए सिक्स माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट लगाइए जीरो से टेन, ये क्वेश्चन नंबर टू करिए, करिए सभी बच्चे, सब करके बताओ, तो जल्दी जल्दी कौन करके बताओ, है ना, जल्दी जल्दी करके बताओ एकदम तेजी स्पीड से। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री करना है आपको, इंटीग्रेशन एक्स माइनस सिक्स, अब देखो आपकी बार में यहां पे दो डंडे लगा दे रहा हूं, जीरो से टेन तक की लिमिट दे रहा हूं, और ये डीएस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ करना है आप, इंटीग्रेशन सिक्स माइनस एक्स, फिर मैं ऐसे लगा रहा हूं लिमिट जीरो से टेन, चारों सवाल आपको करने हैं अभी। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर वन का आंसर किसका आ गया, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर माइनस टू आ रहा है, प्राण अच्छा, चलो हर्षित का आंसर क्या आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, प्रखर, प्रखर का आंसर क्या आ रहा है, आया नहीं अभी, पहले वाले का था, इकरा माइनस टू, अच्छा ये क्या बात है, आज आज बच्चों का नेट बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, क्या चक्कर है, अच्छा चलिए ठीक है, कल कल तो ढाई बजे ही क्लास है, ये तो आज क्या हमारे कुछ यहां पे हो रहा था इसलिए क्लास का टाइम शिफ्ट करना पड़ा, कल ढाई बजे ही होगा, कल का टाइम 2:30 रहेगा। चलिए तरुण, तरुण हाँ बताओ क्या आया इसका आंसर, माइनस टू आ रहा है। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, प्रखर व्हाट यू वांट, प्रखर हमारा आपका क्या आंसर आया, आप बोलो बेटा, इसका आंसर नहीं आया, देखो आएगा अभी, देखो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मैं पता है इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको सबसे पहले जीरो से टेन तो रहने दूंगा, लिमिट है वो, तो एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा, तो एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस सिक्स, सिक्स के साथ में वन होता है उसका इंटीग्रेशन एक्स आता है,
अब आप इसको जीरो से टेन तक की लिमिट रखो। तो देखिए सबसे पहले मैं लिमिट रख रहा हूं, ये वन बाई टू है, वन बाई टू को मैंने बाहर निकाल दिया, और अब एक्स स्क्वायर, तो टेन का स्क्वायर कितना होता है माइनस जीरो स्क्वायर माइनस सिक्स, यहां पर क्या आएगा टेन माइनस जीरो। अब आप चेक करो इसका, ये आएगा वन बाई टू टू हंड्रेड यानी पचास माइनस साठ बराबर माइनस दस आया साहब, ये आपका माइनस दो कैसे आ रहा था साहब, ये तो माइनस दस आया। अच्छा किस किस का माइनस टेन आ रहा था वो बताओ, माइनस ट्वेंटी आ रहा। लेकिन बेटा आप देखो, आपको मेरी कैलकुलेशन चेक करके बताओ कि इफ आई एम रॉन्ग तो मेरे को गलत बताओ मेरा। अच्छा हर्षित, साक्षी, साक्षी बेटा, बेटा साक्षी, साक्षी देखिए आप, ये माइनस कह रहा है प्रखर, प्रखर आपको ये बात एग्री है, प्रखर ये एग्री विद दिस राइट, ओके नेक्स्ट। अब ये देखो इसका देखो, हाँ हाँ इसका टेन आएगा बिल्कुल बिल्कुल आएगा बिल्कुल। देखिए इसको डिफरेंस इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिक्स एक्स आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय जीरो से लेकर टेन तक की लिमिट आएगी, तो सिक्स टेन माइनस जीरो माइनस हाफ हंड्रेड माइनस जीरो, तो यह आ जाएगा साठ माइनस पचास बराबर प्लस दस। अब आप यहां आओ, यहां आकर के ये दो जो है ना, दो ये साइड में डंडे लग गए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये जो ये प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अपना माइक म्यूट करिए, साक्षी माइक म्यूट करो, अर्पण माइक म्यूट करो, सब बच्चे अपना माइक म्यूट करिए। हाँ अब ये जो दो इस तरह से डंडे लग गए ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है कि वी कैन नॉट मेक दिस क्वांटिटी नेगेटिव, मतलब हम कहीं से भी इसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स को नेगेटिव नहीं बनाएंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखें जीरो से सिक्स तक, जीरो से सिक्स तक, और इसको लिखेंगे सिक्स माइनस एक्स प्लस, इसको लिखेंगे क्या एक्स माइनस सिक्स, फिर लिखेंगे सिक्स से टेन। अब आप कहेंगे किशन ये आपने सिक्स ही क्यों तोड़ा है, यहां पे फाइव क्यों नहीं तोड़ दिया, फोर क्यों नहीं तोड़ दिया, तो भाई मेरा उद्देश्य जो है ना, मेरा उद्देश्य इस टर्म को पॉजिटिव बनाना है, मेरा उद्देश्य इस टर्म को पॉजिटिव बनाना है। तो देखो सिक्स माइनस वन कितना आएगा, सिक्स माइनस जीरो कितना आएगा प्लस, सिक्स माइनस वन कितना आएगा प्लस पॉजिटिव आएगा, सिक्स माइनस फोर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, सिक्स माइनस फाइव क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, सिक्स माइनस सिक्स क्या आएगा जीरो आएगा, सिक्स माइनस सिक्स जीरो आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा, वी डोंट वांट नेगेटिव, हम यहां नेगेटिव नहीं चाहते, वहां भी हम नेगेटिव नहीं चाहते, तो इसलिए लिमिट छह से दस तक लगाइए। अब देखो इसको आप सॉल्व करो, हाँ बोलिए, हाँ अब वो जो आएगा वो देखते हैं, अभी देखते हैं क्या आएगा। तो देखो एक बार इसको मैं जरा इंडिकेट कर रहा हूं, सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय लिमिट रखेंगे जीरो से सिक्स तक प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस सिक्स एक्स, अब इसकी लिमिट रखो टेन सिक्स टू टेन। आप लोग चेक करिए मेरे उसको इंटीग्रेशन को चेक करो, तो देखो अब आप यहां पर सिक्स आ गया, अब ये एक्स है सिक्स माइनस टू यानी कि सिक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर सिक्स स्क्वायर यानी कि थर्टी सिक्स
जीरो तो जीरो ही जाएगा। और बाकी आप इसको सॉल्व करिए पूरा आराम से, नियम से चेक करिए पूरा। ये 1/2 है, अब देखो एक्स स्क्वायर 6 से 10 तक की लिमिट है, तो सबसे पहले मैं 10 का स्क्वायर 100 लिखूंगा, फिर 6 का स्क्वायर 36 लिखूंगा, पीछे माइनस का साइन लगाऊंगा। इसी तरीके से यहां पे -6 है, अब देखो मैं एक्स इधर 10 लिखूंगा और इधर 6 लिखूंगा। आप चेक करें प्लीज, चेक ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है सब लोगों को कैलकुलेशन दिखाई दे रही है क्या? अब देखो 36 माइनस 18 तो 18 आ गया प्लस। अब इसको देखो आप, ये 100 माइनस 36 यानी 64 डिवाइड बाय 2 यानी 32 माइनस ये कितना है 32 माइनस ये 24। आप लोग चेक करिए प्लीज, 32 माइनस 24 इज 26 आ रहा है आपको। प्रकार बेटा नहीं, आपको मेरी बात ऐसे ही नहीं माननी जबरदस्ती ठीक। चलिए अब देखो ठीक है, अब आप इसको देखो इसको क्या करूंगा, मुझे यहां चैलेंज है कि 6 माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बनाना हमारा जो है ना मस्ट, हम निश्चित रूप से इसको पॉजिटिव बनाएंगे ठीक है। हाँ बेटा अभी क्या हो रहा है, हाँ बोलो क्या हुआ, ध्यान दीजिए अब हम इसको कर रहे हैं इंटीग्रेशन 0 से 6। अब मैं ऐसा लिखूंगा इसको कि पॉजिटिव आ, तो 0 से 6 तो मैं इसको 6 माइनस एक्स लिखूंगा dx प्लस इंटीग्रेशन। अब इसको मैं लिखूंगा 10 माइनस 6, मतलब ये जो है ना, एक मिनट 0 से 6 लिखेंगे ना आप, 6 माइनस एक्स लिखेंगे फिर लिखेंगे x माइनस। अब इसमें कोई ये आंसर वही आएगा, सेम आंसर आएगा, तो इसका सेम आंसर 26 ही है ये मैं, लेकिन यहां आंसर आपका बदला। मुझे लगता है कि जो बात थी वो ट्रांसपेरेंटली क्लियर होगी ठीक है। चलिए DPP3 का और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? DPP3 का और कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? देख चलिए अब सभी बच्चे तेज स्पीड से वेक्टर्स का फॉर्मूला चार्ट खोलिए। वेक्टर्स का फॉर्मूला चार्ट कहां है बताओ? ये जो है ना यूनिट डायमेंशन का एनालिसिस का आपको देखो भेज रखा है व्हाट्सएप पर, उसके साथ वेक्टर चिपका हुआ है, उसके साथ वेक्टर चिपका हुआ है लास्ट में, ध्यान दो। यूनिट डायमेंशन का एक फॉर्मूला चार्ट भेजेगा क्रक्स है ना, उसके लास्ट में वेक्टर चिपका हुआ है, ध्यान दीजिए। अरे ये जो है ना, देखिए यूनिट डायमेंशन के साथ में आपको एक भेजा हुआ है, कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे शायद, तो कल हमारा 2:30 पे क्लास देंगे है ना। मैं आपसे ये कह रहा था कि यूनिट डायमेंशन के साथ में आपको वेक्टर का फॉर्मूला चार्ट भेजा हुआ है, आज हमारी डेट है 16। मुझे लगता है कि हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम बची नहीं है ना, किसी की भी नहीं बची,
अच्छा, अब जो नए बच्चे जुड़े हैं, दो तीन बच्चे नए हैं, वो प्लीज YouTube पर जो है ना लेक्चर 1, 2, 3, 4 इसको 2-3 घंटे लगाकर पूरे देख लीजिए चैनल पर, ठीक है। इसके बाद में आप जो है लेक्चर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये छोड़ दीजिए, ठीक है। यूनिट डायमेंशन वाले लेक्चर छोड़ दो सारे भी, यूनिट डायमेंशन पर हम बाद में विचार कर लेंगे, कोई खास बात। उसके बाद वेक्टर वाले लेक्चर देखना शुरू करो, वेक्टर के लेक्चर 1, 2, 3, 4, 6 तक है या 7 तक है, ठीक है। तो वेक्टर वाले लेक्चर आप करो, हाँ तो 6 तक पूरे देखो, 1, 2, 6। अब देखिए आपके मेरे हाथ में इस समय जो है ना वेक्टर का फॉर्मूला चार्ट है, मेरे हाथ में इस समय वेक्टर का फॉर्मूला चार्ट है। तो आप देखिए वेक्टर का फॉर्मूला चार्ट में हम क्या करेंगे, ये वेक्टर का फॉर्मूला चार्ट में देखो सबसे पहली लाइन बड़ी जबरदस्त लाइन है, मतलब ये वो लाइन है जिसको अगर बच्चा एक बार पकड़ गया तो समझ लो कि फिर उसको वेक्टर हमेशा हमेशा के लिए जो है ना समझ में आ गया। सबसे पहली लाइन ये रखिए, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैं बताऊं आपको, सारी किताब वाले और सारे टीचर्स, लगभग 90% टीचर्स, 90% टीचर्स और किताब वाले जितनी किताबें लिखी है ना, सब किताबों में पता है क्या पढ़ाते हैं, स्केलर पूरा पढ़ाते हैं कि स्केलर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होता है, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, ये सब पढ़ाते हैं, ये कार्यक्रम सब करते हैं, मतलब इसमें कोई जबरदस्त बात नहीं करते है ना। तो सारे के सारे जो पढ़ाते हैं सारी किताबों के अंदर ये लिखा रहता है कि क्वांटिटीज दो तरह की होती है, एक स्केलर एक वेक्टर, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर में डायरेक्शन, ठीक है ये बताते हैं। लेकिन ये वाली बात अगर बता देंगे ना तो समस्या समाप्त ना हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो आपको ये वाली बात सीखनी है क्योंकि वो तो सभी सिखाते हैं, है ना। वो तो आपके स्कूल वाले जो टीचर है ना वो भी आपको खूब बढ़िया मतलब काफी अच्छे से बता देंगे, लेकिन ये वाली बात कि आपको वेक्टर लिखना है तो लिखना कैसे है, इस दुनिया में कितने सारे वेक्टर हो सकते हैं, देखो इस दुनिया में फोर्स एक वेक्टर हो सकता है, इस दुनिया में वेलोसिटी एक वेक्टर हो सकती है, इस दुनिया में एक्सीलरेशन एक वेक्टर हो सकता है, हैं? और इस दुनिया में मोमेंटम एक वेक्टर हो सकता है, राइट। अब ये वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे, कोई सा भी वेक्टर हो जी इस दुनिया में, हम सारे वेक्टर को एक ही तरह से लिखेंगे, कोई चेंज करेंगे ही नहीं वेक्टर। क्या, सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिख देंगे कि एफ का मतलब एफ, फिर क्या कर देंगे उसका, फिर उसका यूनिट वेक्टर लिख देंगे, जो भी यूनिट वेक्टर, जो भी यूनिट वेक्टर। अब ये वेलोसिटी वेक्टर तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे फिर उसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ए उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे फिर उसका यूनिट वेक्टर लिख देंगे। यहां पर भी कोई सा भी वेक्टर हो सबको एक ही मेथड से लिखेंगे हमको, बस इसके अलावा हम कुछ करेंगे ही नहीं। एक मिनट, तो आप ध्यान दीजिए हर वेक्टर को इसी तरह से करेंगे। अब सवाल हमारे पास में आ गया सारा सिमट कर एक जगह कि आपका जो वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड हो गया और यूनिट वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड तो जो होता है वो होता ही है, जैसे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स है, भैया 10 न्यूटन का फोर्स है ही है, वेलोसिटी भी कुछ है, स्पीड भी कुछ है, एक्सीलरेशन भी कुछ है, ये भी कुछ है, तो मैग्नीट्यूड इज नॉट अ बिग इश्यू, मैग्नीट्यूड तो कोई इश्यू ही नहीं है जी, मैग्नीट्यूड तो कुछ है ही नहीं, असली बीमारी की जड़ जो है ना वो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, यानी हमें अब सारा दिमाग इस पर लगाना एक है। तो हम कल डिस्कस करेंगे, कल का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, कल आप लोग अपना नेट वगैरह बचा के रखना, नेट को अच्छे से तैयार करके कंप्लेंट वगैरह करा के रखना कंपनी में, जैसे मान लो 2:30 पे होगी कल की क्लास, 2:30 पे होगी, ये तो आज आज एक मतलब इमरजेंसी था, कल की क्लास 2:30 पे होगी, ठीक है, रेगुलर 2:30 पर होगी क्लास,
स्टडी रेगुलर टाइम होगा। कल जो है क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल की क्लास में मैं इस यूनिट वेक्टर पर बात करूंगा। ये यूनिट वेक्टर सारे वेक्टर की असली मुसीबत की जड़ है। ये यूनिट वेक्टर समझ में आ गया तो समझ लो वेक्टर समझ में आ गया, फिर वेक्टर में कुछ रहा नहीं है, कुछ बचा नहीं है फिर वेक्टर। ठीक है, तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे और आज की मीटिंग को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है बेटा, नमस्ते, ओके।